सोना एक बार फिर 53,600 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर निकल गया। ये करीब 27 महीनों में सोने की सबसे ऊंची कीमत है। इससे पहले 18 अगस्त 2020 को सोना 53,815 रुपए तक गया था। वहीं 2021 में इनसे कभी 53,000 का स्तर भी नहीं छुआ। दरअसल डॉलर में गिरावट के चलते दुनिया भर में सोने की कीमत बढ़ी है। इसका असर भारतीय बाजार में साफ देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सोने के 24 कैरेट की कीमत 53,611 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। सिर्फ दो दिन में सोना 860 रुपए और बीते 10 दिन में 1,261 रुपए महंगा हो गया। वही 23 नवम्बर को सोना 52,350 रुपए प्रति 10 ग्राम था। आपको बता दें कि 2022 में इससे पहले सिर्फ एक बार 18 अप्रैल को सोना 53,600 रुपए से ऊपर 53,603 रुपए तक गया था। वहीं डॉलर के गिरावट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना खरीदने के लिए अब ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं। चीन में 22 जनवरी से नए साल का जश्न भी शुरू होगा। इस दौरान वहां सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है। वहीं लोकल करेंसी को सपोर्ट के लिए भारत, चीन समेत दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि देश के 14 बड़े शहरों में सोने की औसत कीमत तेजी से बढ़ रही है। वहीं सोने की यह कीमत भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे देश में करीब 25,000 टन सोना लोगों के घरों में मौजूद होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।